प्रदेश की, इसलिए आज बैठक की बताई। बैठक हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट में मीटिंगें हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज। हमारा सरकार से रोष है, जो आढ़तियों को आढ़त खत्म करना चाहती है, आढ़तियों को ये हमारी मंडी बोर्ड ही ख़त्म करना चाहती है सरकार। कभी ये हमारी आढ़त कम देती है और कभी ये मतलब कि जितनी दूसरी फसलें हैं उनकी डायरेक्ट पेमेंट के लिए बोलती है, कभी मतलब कि मार्केट फीस इन्हें पीछे 1% कर दी थी, अब फिर उन 2.5% करती है। मतलब कि ये इस आढ़ती को, आढ़ती का धंधा बंद करना चाहती है। अभी तक इन्होंने हमारा जो मुद्दा है पुराना, हमारी 1.5 साल से हमारा ब्याज अटका पड़े हैं, हमारी लेबर अटकी पड़ी है। अगर लेबर की लेबर नहीं दे सकते, लेबर को लेबर जब चाहिए, जब उसका पसीना सूखने से पहले उसको उसकी लेबर चाहिए, ठीक है। सरकार को 1.5 साल हो गए, उसकी लेबर भी नहीं अभी तक दी है, फिर आढ़ती के पास क्या, आढ़ती कहाँ से देगा पैसे इतने। कितनी पेमेंट अटकी हुई है? लगभग मतलब कि 21-22 करोड़ रुपए तो हमारा हरियाणा का अब 3.47 रुपए के हिसाब से इन्होंने कर लिया। लगभग 125 करोड़ रुपए हमारे ब्याज के हैं और 1.88 रुपए के हिसाब से लगभग 35-40 करोड़ रुपए हुए। क्या कुछ फैसला लिया आज मीटिंग की आपकी जिला? मीटिंग का फैसला यही है, अभी हम रोज प्रदर्शन करेंगे, हम झंडे लगाएंगे और हम फ्लैक्स लगाएंगे और जो भी हमारा सरकारी जो भी अफसर कुछ आएगा, कुछ जो भी आएगा, हम उस आगे अपना मतलब कि आज हमें हमारी मीटिंग जो सरकार नित नए नए फार्मूले ढूंढ रही है कि किसान आढ़तियों को तंग करा जाए, कैसे तंग करा जाए, वो अपने उनके जो ऑफिसर हैं हर रोज़ नया एक फार्मूला निकाल के लाते हैं जिससे आढ़ती भाइयों को तकलीफ होती है। आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों की मीटिंग बुला के ये एक फैसला लिया जा रहा है कि हम एक अपना रोष प्रकट करेंगे, जो अपनी दुकानों पर पूरे हरियाणा के अंदर काला झंडा लगा के अपना एक रोष प्रदर्शन। ये पूरे जिले की जब हमारी मीटिंग हो जाएगी, सारे जिले के 22 के 22 जिले की मीटिंग हो जाएगी। आज 8 डिस्ट्रिक्टों में मीटिंग आज चल रही है, 8 की कल होगी, जब पूरी हो जाएगी उसी दिन से स्टेट बॉडी एक फैसला लेके और ये रोष प्रकट जो कर रहे हैं। सरकार ने हमारे 2.5 रुपए की आड़त थी उसको काट के 3.37 रुपए वो काट लिया। CM साहब घोषणा कर देते हैं कि आपको ब्याज मिलेगा अगर 72 घंटे में पेमेंट नहीं, 72 घंटे तो दूर, 72 दिन में भी पेमेंट नहीं दी है। पता नहीं सरकार के पास ऐसा कौन सा कैलेंडर है जिससे वो 1 घंटे को 1 दिन मान के चलती है। क्या परेशानी है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रही है? परेशानी क्या नहीं है, ऐसा कोई वो सरकार दे ही नहीं रही आढ़ती को, हर रोज नया फार्मूला ढूंढ के रहते हैं। मार्केट फीस बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, जो इन्होंने बढ़ा के दोबारा फिर 2% मार्केट फीस और 0.5% वो HRDF दोबारा फिर लागू कर दिया। और सरकार ये भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पोर्टल पे ले रही है, जैसे हमारे सीमांत किसान हैं जो जैसे करनाल मंडी के पास लगते हैं, लाडवा के पास लगते हैं, रदौर के लगते हैं, इंद्री के लगते हैं, उधर पंजाब के बॉर्डर से लगते हैं, समालाबाद पेहवा चीका और राजस्थान से भी लगते हैं, हमारी डबूवाली सिरसा जो मंडियाँ लगती हैं उनसे हमारा वर्षों पुराना पिछले बाप दादे के टाइम से चला रहा है लेन देन, उनका पोर्टल नहीं खोल रहे। जब उनका पोर्टल खोल लेंगे तो तब तक वो अपनी फसल कहीं और बेच चुके होते हैं। जब PM भी ये कह रहा है कि कोई भी आदमी अपनी फसल कहीं भी लेके बेचते तो पोर्टल का मकसद क्या रह गया, क्यों पुलिस फोर्स इनको दूसरे स्टेट से आके उनको रोक रही है, यहाँ रोक के गया आके, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो काले झंडे जो है आप लगाने की बात कर रहे हैं, तो कब से आप ये काले झंडे पूरे हमारी हरियाणा की मीटिंगें पूरी होने के बाद तो स्टेट बॉडी को हम अपना फैसला डिस्ट्रिक्ट का भेज देंगे। स्टेट बॉडी जो निर्णय लेगी, एक साइज और एक तरह का पूरा झंडा, बाजू पे भी हम अपना काला रिबन और अपनी गाड़ियों में भी काला रिबन बांध देंगे। मेरा सवाल ये कि कितनी पेमेंट होगी जो अटकी पड़ी आप लोगों की? हमारी इस साल की जो 3.37 रुपए के हिसाब से कटी है वो 26.98 करोड़ रुपए है, पूरे हरियाणा का, और पीछे इंटरेस्ट है हमारा 118 करोड़। और लेबर जो जीरी की लेबर जो पीछे चली गई जीरी, उसकी लेबर 1.88 रुपए पर क्विंटल के हिसाब पर बैग के हिसाब से वो सरकार ने देनी बाकी है। वो 72 घंटे कब पूरे होंगे सरकार के, आपको पता हो शायद, हमने भाइयों को दे दी है वो तो उसी टाइम ले लेते हैं हमारे पास से, तो जो सरकार मजदूर की मजदूरी नहीं दे सकती, हम भी जो ये काम करते हैं आढ़ती भाई काम करते हैं।